अस्सलाम वालेकुम, वसीम ट्रेवलॉग यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सरगोधा के मशहूर फूड आइटम्स। सुबह के 10 बज रहे हैं, हम जा रहे हैं नाश्ता करने सरगोधा की सबसे पुरानी और मशहूर हलवा पूड़ी का। तो आइए देखते हैं उसका जायका और क्वालिटी बरकरार है या नहीं। सरगोधा शहर में मोतीचूर की हलवा पूड़ी सबसे मशहूर और सबसे पुरानी है। पूड़ी का जायका और हलवा बेहतरीन है और चनों का जायका भी बिल्कुल बेहतरीन है। जो जायका पहले था वो अब भी मौजूद है। यह सरगोधा का मशहूर गोल चौक, जिसके नीचे मार्केट है और ऊपर एक पुरानी और खूबसूरत जामा मस्जिद है। दोपहर के 1 बज रहे हैं और गर्मी बहुत तेज हो गई है, तो हम जा रहे हैं यहाँ की मशहूर बड्डे वाली बोतल पीने, जो कि एक बहुत ही मुनफरिद आइटम है। तो चलिए देखते हैं। सरगोधा में ये बंटे वाली बोतल, सोडे की बोतल, जो कि यहाँ की सबसे पुरानी और मशहूर आइटम है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। ये जी 19 ब्लॉक अंदरून पुराना शहर और यहाँ पर सूफी नज़ीर पान शॉप है, जो बहुत पुरानी और मशहूर दुकान है और इसके इर्द गिर्द पुरानी इमारात मौजूद हैं जो काफ़ी खस्ता हाल हैं। अच्छा जी, ये हैं जी यासीन पहलवान साहब के दही बल्ले और गोलगप्पे। सलाम अलैकुम जी। जो पुराने और मशहूर हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं हाफिज़ सोडा वाटर, इनकी शॉप है मुस्लिम बाजार। इनकी ख़ास बात ये है, ये आपको बहुत फ्रेश और इसका टेस्ट लाजवाब, इसके इंग्रेडिएंट्स और इसका तैयार करने का तरीका बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये आइसक्रीम कुल्फ़ी और सेमिया और ये ब्लैक ब्लैक इसको बोलते हैं तुख मलंगा, और ये इंतहाई मज़ेदार बेहतरीन टेस्ट आपको अभी बताता हूँ कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार वाकई कमाल, और गर्मियों में तो बेहतरीन चीज़ है, आप ज़रूर ट्राई करें। आज सुबह का नाश्ता हम करेंगे अलहाज अब्दुल लतीफ सन्स उर्दू बाज़ार में, अलमारूफ तीफा छोले वाले के पास। ये भी यहाँ की बहुत पुरानी और मशहूर दुकान है, छोटी सी दुकान है और काफ़ी रश है यहाँ पे। और मेरे साथ मेरा भांजा है जैन, जो मुझे यहाँ लेकर आया है और मज़े मज़े खाने खिला रहा है सरगोधा के। तीफा छोले वाले के साथ ही यहाँ की मशहूर लस्सी है, काफ़ी रश नज़र आ रहा है। और अगर आप पंजाब आएँ और नाश्ते के बाद लस्सी ना पिए तो फिर आप पंजाब आए ही क्यों। ठंडी ठंडी लस्सी मलाई मार के आए हैं, लस्सी पी के ना कलेजे में ठंड पड़ गई है। सरगोधा के देसी खाने तो बहुत ही कमाल के हैं। तो अब हम जा रहे हैं सरगोधा का फास्ट फूड ट्राई करने। तो अब मेरे साथ हैं मेरा लंगोटिया यार, मेरे मामू का बेटा जाहिद, जो फास्ट फूड का तो बहुत ही शौकीन है। सो अब ये मुझे लेकर आया, यहाँ एक नई ब्रांच खुली है फास्ट फूड की। यहाँ हम ट्राई करेंगे अभी पिज़्ज़ा और पास्ता, जो देखने में तो काफ़ी मज़े का लग रहा है, टेस्ट भी चेक करते हैं। सो यार पास्ता और पिज़्ज़ा मुझे पसंद आया, काफ़ी अच्छा है। सरगोधा में देसी खानों के साथ
फास्ट फूड भी बहुत अच्छा है। सो आप भी जब भी आएँ सरगोधा तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, झाल चक्कियाँ की दाल, जो काफ़ी मशहूर है इस एरिए की और लोग काफ़ी पसंद करते हैं उसकी दाल को। सो आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ। सो बट ये कि आप ज़रूर ट्राई करें, टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा है, मैंने एक बार ट्राई की हुई है पहले। सो रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो देखते रहें वसीम ट्रैवलॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।